नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। धामपुर में शिखर शिशु सदन स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया मेडिकल शिविर, बच्चों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। धामपुर में नूरपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक ने सेल्समैन से की बदसलूकी, छीनकर फेंका मोबाइल, घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस में दी तहरीर। बिजनौर में बीसी सखियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नगीना में धामपुर रोड स्थित रामलीला मैदान पर बाल दिवस के उपलक्ष में खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। नशे पर प्रहार करते हुए नया सवेरा अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर में विभिन्न स्कूली बच्चों के साथ निकाली गई रैली। रैली में बैनरों के जरिए नशा छोड़ने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। बढ़ापुर व थाना चांदपुर पुलिस द्वारा किया गया अवैध कच्ची शराब भट्टियों का भंडाफोड़। कच्ची शराब की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। अमरोहा के गजरोला कोतवाली इलाके में रमाबाई डिग्री कॉलेज के सामने सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर जूते चप्पल बेच रहे दुकानदार को आधा दर्जन लोगों ने लात घूसों से जमकर पीटा। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। नहटोर में 3 दिन से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव पर पंच प्यारों की अगुवाई में नूरपुर नगर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। बैंड बाजों आकर्षण झांकियों के साथ निकाले गए नगर कीर्तन का स्थान स्थान पर नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। धामपुर में पुलिस मुठभेड़ में बाबरिया गैंग के 25,000 रुपए के 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। क्रॉस फायरिंग में थाना धामपुर के 2 आरक्षी भी घायल, बदमाशों को भी पैर में लगी गोली, हायर सेंटर किया रेफर। अरे राकेश भाई, क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। बस क्या बताऊं सुनील जी, मेरे को कुछ दिनों से आंखों से साफ नजर नहीं आ रहा है और मेरी आंखों से पानी निकलता रहता है, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी आंखों को किस हॉस्पिटल में चेक कराऊं? राकेश भाई, आपको मोतियाबिंद हो सकता है, आप डॉक्टर कमाल हॉस्पिटल जाओ, वहां आपकी आंखों की संपूर्ण जांच होगी और इलाज होगा। यही नहीं, ये जिला बिजनौर का सबसे एडवांस सर्जरी सेंटर है। इतना ही नहीं, वो बेस्ट सर्विसेज के साथ साथ बेस्ट प्राइस में भी इलाज करते हैं। अरे वाह सुनील भाई, आपने तो मेरी समस्या का ही हल कर दिया। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है? इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। नूरपुर में धामपुर चौराहे पर स्थित एक डीजल मोटर की वर्कशॉप पर शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भयंकर आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर पाया काबू। धामपुर में कैरम क्लब व माइक धामपुर ग्रुप में चल रहे कैरम टूर्नामेंट के अवसर पर धामपुर के गणमान्य पत्रकारों को किया गया सम्मानित। इस मौके पर क्लब के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जनपद में निकाय चुनाव के मद्देनजर आरएएफ व पुलिस फोर्स द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था हेतु 31 नवंबर तक के लिए लगी धारा 144। जलीलपुर क्षेत्र के सिंह सभा गुरुद्वारा मुढ़ाल में गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विशाल लंगर का किया गया आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लंगर में आकर दी सेवा। संभल के थाना असमोली क्षेत्र में गांव बेला में ट्रॉली की टक्कर से महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबको पीएम को भेजा।
अमरोहा के हसनपुर में राष्ट्रीय एकता के चलते 8 दिवसीय विराट कुश्ती दंगल का किया गया आयोजन। कई प्रदेशों के पहलवान ले रहे हैं भाग। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार। धामपुर में मुखबिर की सूचना पर सर्विस लांच टीम के साथ नगीना रोड पर पहुंची पुलिस ने जब बाइक पर सवार दो बदमाशों की घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए साहस दिखाकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ में पता चला कि दोनों बदमाश बावरिया गिरोह के हैं, जो शामली जिले के रहने वाले हैं। दोनों के ऊपर 25,000 रुपए के इनाम है। पकड़े गए बदमाशों के नाम राहुल व विशाल कश्यप है। बदमाशों के खिलाफ लूट, डकैती, चोरी के मुकदमे दर्ज है। घायल दोनों बदमाश व दोनों पुलिसकर्मियों को बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। थाना धामपुर जिला बिजनौर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शाम को चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्ति सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो वाहन न रोक करके पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग गए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका पीछा किया और फायरिंग में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है, जो बाबरिया गिरोह से संबंधित है और 25,000 के इनामी बदमाश भी है। इस घटना में दो पुलिस वालों को भी चोटें आई है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जलीलपुर क्षेत्र में गुरु नानक देव का 553वां प्रकाशोत्सव सिंह सभा गुरुद्वारा मुढ़ाल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार मुढ़ाल में चल रहे अखंड पाठ का समापन किया गया। चंडीगढ़, यमुनानगर तथा नजीबाबाद से आए रागी जत्थे ने गुरबाणी सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा पिछले 22 वर्षों से प्रतिवर्ष प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरुद्वारे में पंच प्यारे सजाकर नगर कीर्तन निकाला गया। रास्ते में महिलाएं और बच्चे झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते चल रहे थे। अखाड़े में अपने हैरत अंग्रेज करतब दिखाए ग्रामीणों ने। हैरत अंग्रेज करतब देखकर गांव में सतनाम वाहे गुरु की आवाज गूंजती रही। श्रद्धालुओं के अनुसार यहां प्रतिवर्ष गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। बिना किसी जात पात का भेदभाव के सच्चे भाव से भक्तों की आमद होती है और गुरुद्वारे में मांगी गई अरदास पूरी होने पर सच्चे मन से दूरदराज से आए लोग अपनी सेवा देते हैं। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर नगीना में बाल दिवस के उपलक्ष्य में धामपुर रोड पर रामलीला मैदान में दिव्य सेवा संस्थान नगीना एवं दयानंद जूनियर हाई स्कूल नगीना के द्वारा बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के 15 स्कूलों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम शैलेंद्र सिंह व पूर्व विधायक सतीश कुमार गौतम ने मशाल जलाकर किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सिल्वर मेडल, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिव्य सेवा संस्थान के प्रबंधक संजय शर्मा, दयानंद जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य गोपाल सिंह सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगीना से कृष्णता शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन में नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान नया सवेरा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा लिखित थीम सॉन्ग्स का जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के कर कर्मलों द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के उपरांत डीएम, एसपी, एसपी सिटी द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए पुनः पुलिस लाइन पर आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा
सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी की सजगता से ही नशे से ग्रसित लोगों को मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। थीम सॉन्ग का ऑफरिंग किया गया, क्या है पूरा मामला, किस मामले को लेकर थीम सॉन्ग? माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद में हम लोग नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। उस अभियान का नाम हमने नया सवेरा रखा है। इस अभियान के दो पक्ष हैं, एक तरफ ऐसे लोग जो इस नशे को बेचते हैं उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई, और ऐसे लोग जो इसका शिकार हो गए हैं, जिनको मैं विक्टिम मानता हूं, नशे की आदत के शिकार है, उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। उसी क्रम में हमने ये नया सवेरा अभियान किया है, जिसमें कि पुलिस और जनता मिल के काम कर रही है। ये एक सामुदायिक पुलिसिंग का प्रयोग है। आज हमने एक गीत इस अभियान का एक टाइटल सॉन्ग बनाया है, ताकि जब भी हमारी रैली हो तो लोगों में जो एक भावना है, इस अभियान की जो फीलिंग है, इस अभियान का जो अनुभूति का पहलू है, उस गीत को हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से लोकार्पित कराया है, और उसी क्रम में आज हमारी ये रैली निकल रही है। ये नया सवेरा अभियान के टाइटल सॉन्ग का आज डीएम महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने लोकार्पित। एसपी साहब, जो गीत आपने लिखा है, ये आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे ये गीत लिखना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हर अभियान में जब तक उसके साथ जुड़ी हुई आप देखते हैं सांस्कृतिक पहलू, भावनात्मक पहलू होता है, और उसमें अगर कोई गीत होता है तो उसका एक शीर्ष, उसका एक मोटो होता है, टाइटल होता है। जैसे हमने इसका नया अभियान में रखा है नीड का निर्माण कर, कि जो एक आदमी भटक गया है उसे वापस मुख्य धारा में लाना है, उसके जीवन में एक नया सवेरा का अवसर मिलना है। तो ये उसके भावनात्मक पहलू को और अधिक उजागर करने के लिए मैंने हमारी टीम ने इस गीत को लिखा, और हमारी टीम ने उसको यही बिजनौर के एक संगीत शिक्षक के माध्यम से गवाया। अब खबरें विस्तार से।